नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको आपके मोबाइल से जुड़ी हुई बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे कि आप अपने महंगे महंगे मोबाइल फोन्स का ध्यान किस तरह से रख सकते हैं। दोस्तों मार्केट में बहुत ही महंगे फोन्स आते हैं और हर कोई महंगा फोन खरीदना अपना ट्रेंड समझता है, यानी कि उसको फैशन समझता है, और हर महीने नए नए तरह तरह के फोन मार्केट में आते हैं और हर किसी के पास आजकल आपको महंगा फोन देखने को मिल भी जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि महंगे फोन के साथ साथ उसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स भी बनने लग जाती हैं कुछ टाइम के बाद, चाहे आप कितना ही महंगा फोन ले लीजिए। जैसे कि आपको अपने फ़ोन के अंदर आपको पता चलेगा कि बैटरी की दिक्कत आ गई है, हीटिंग की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, हैंग की प्रॉब्लम आने लग जाएगी, नेटवर्क की समस्या होगी, टच स्क्रीन की प्रॉब्लम होने लग जाएगी। इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो लगभग सभी फ़ोन के अंदर आती है, चाहे आप महंगा फ़ोन ले लीजिए चाहे आप सस्ता फ़ोन ले लीजिए, ये प्रॉब्लम आपको सभी फ़ोन्स के अंदर फेस करने को मिलती है। तो हम इन्हीं टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आप इस तरह की समस्याओं से जो आपके फ़ोन में ये बनी रहती हैं इससे आप किस तरह से बच सकते हैं और अपने फ़ोन का ध्यान आप रख सकते हैं इनसे बचाकर। तो दोस्तों सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो हमारी बैटरी के ऊपर होती है। हम चाहे कितना भी महंगा फ़ोन ले लेंगे, जो बैटरी की समस्या हमारे फ़ोन में ज़रूर आती है, और वो क्यों आती है, हमारी गंदी आदतों की वजह से। दोस्तों गंदी आदतों का मतलब क्या है? दोस्तों हम अपने फ़ोन को किसी भी चार्जर के साथ कनेक्ट करने लग जाते हैं। दोस्तों हम अपने फ़ोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके चार्ज करने लगते हैं। दोस्तों हम अपने फ़ोन को चार्जिंग में लगाकर अपने फ़ोन पर काम करते रहते हैं। तो दोस्तों ये सब हमारी गंदी आदतें होती हैं। दोस्तों हमें ये बदलना है, क्योंकि आपका फ़ोन की अगर बैटरी की लाइफ अगर लंबी होगी तो जनरली आपका फ़ोन भी अच्छी तरह से काम करेगा और आपके फ़ोन की भी लाइफ बड़ी रहेगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ अपने फ़ोन के चार्जर से ही आप चार्ज कीजिए। आप किसी भी चार्जर का इस्तेमाल करने से आप बचिए, क्योंकि हम किसी का भी फ़ोन के चार्जर को अपने फ़ोन में कनेक्ट कर लेते हैं, या अपने फ़ोन को आप कंप्यूटर से कनेक्ट करके चार्जिंग में लगा देते हैं, या किसी के भी पिन में, या चाइनीज़ चार्जर हम लेकर आ जाते हैं, सस्ती कंपनी का हम खरीद के लेकर आ जाते हैं चार्जर। उससे होता क्या है दोस्तों, अपने का फ़ोन तो चार्ज होने लग जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो आपके फ़ोन की जो बैटरी के जो अंदर के कंपोनेंट होते हैं उन्हें वो ख़राब करने लगता है, जिसके कारण आपकी बैटरी हीट होने लग जाती है और वो आपके फ़ोन को डैमेज भी कर देती है। और सब इसी यही कारण है कि सबसे पहले हमारे फ़ोन में बैटरी की ही समस्या आती है, चाहे आप कितना ही महंगा फ़ोन क्यों ना ले लें। दोस्तों इसी के साथ हीटिंग की प्रॉब्लम आपके फ़ोन में बनने लग जाती है, क्योंकि जब बैटरी गर्म होगी तो वो साथ ही साथ आपके फ़ोन को भी गर्म करेगी। जब फ़ोन आपका गर्म होता है तो उसके सर्किट को भी वो गर्म करता है, और सर्किट को गर्म करने के साथ ही उसके जो अंदर के जो फ़ोन के अंदर मेन पार्ट्स होते हैं स्क्रीन भी गर्म हो जाती है, जिससे आपका फ़ोन दिक्कत करने लग जाता है और कई बार वो हैंग होगा, हीट करेगा, और इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि आपको कई बार डर भी लगने लग जाता है। दोस्तों हीटिंग की प्रॉब्लम जो होती है वो बैटरी से जुड़ी हुई, आप उसको समझ सकते हैं, क्योंकि बैटरी ही सबसे ज़्यादा हीट होती है अपने फ़ोन के अंदर। क्योंकि हमारे फ़ोन की बैटरी पर जब लोड पड़ता है, जब हम किसी भी चार्जर से कनेक्ट कर लेते हैं तो उसका लोड बैटरी पर पड़ता है, और बैटरी हीट होकर कई बार फट भी जाती है, जैसा कि आपने कई बार देखा भी होगा। दोस्तों हैंग होने से बचने के लिए आप अपने फ़ोन को अपडेट करके रखिए। मार्केट में हर महीने जो है आपका फ़ोन अपडेट करने के लिए आपको बोलता है, लेकिन हम उसे अवॉइड कर देते हैं, यानी कि हम अपडेट करने से बचना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा डाटा वेस्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपना फ़ोन अपडेट करके रखना चाहिए, इसी वजह से आपका फ़ोन हैंग होता है, क्योंकि हमारा फ़ोन जो होता है वो पुराना सॉफ्टवेयर पे काम करता है और मार्केट में नए सॉफ्टवेयर आ चुके होते हैं। जब हम अपने फ़ोन से कोई डाटा आगे भेजते हैं तो वो नए सॉफ्टवेयर पे टकराकर वापस आपके फ़ोन पर आता है, और वो इसी आगे जाने में और पीछे आने में उसमें काफ़ी उसको दिक्कतें होती है, और वो आपके फ़ोन को हैंग कर देता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने फ़ोन को हर महीने आप रूटीन बना लीजिए, अपने फ़ोन को अपडेट कीजिए, चाहे आप कोई सी भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो अपने फ़ोन के अंदर, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, या जो भी XYZ आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करें, तो अपने फ़ोन को आप अपडेट ज़रूर कीजिए। और टाइम टाइम पर अपडेट जब आप करते रहेंगे तो आपके फ़ोन में हैंग की जो प्रॉब्लम होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब हम फ़ोन को अपडेट नहीं करेंगे तभी हमारे फ़ोन का जो सिस्टम होता है वो स्लो हो जाता है, और अपडेट करने के बाद हमारा फ़ोन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम करता है। दोस्तों उसके अलावा जो हम अपने फ़ोन को हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके रखते हैं, तो चाहे आप अपने फ़ोन से किसी के फ़ोन को कनेक्ट करके रखिए, चाहे आप किसी दूसरे के हॉटस्पॉट से अपने फ़ोन को कनेक्ट करके रखिए, कि एक सिर्फ लिमिट तक कीजिए, ये नहीं कि आप पूरे दिन भर अपने फ़ोन को हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके रखिए, या आपके फ़ोन को डैमेज कर देता है, और सीरियस डैमेज करता है। दोस्तों आपके फ़ोन की जो अंदर की सर्किट होती है उसे वो ख़राब कर देता है, इसलिए आप हॉटस्पॉट को कम से कम यूज़ कीजिए, ठीक है। तीसरी बात, अपने फ़ोन के जो आपके बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन चलती रहती है उन्हें आप समय समय पर उसे बंद कीजिए, उन्हें चेक कीजिए, और उन्हें जब भी आप एप्लीकेशन चलाते हैं, कुछ भी एप्लीकेशन जो भी आप यूज़ करते होंगे, तो जब वो बैक साइड में स्टोर होती है उन्हें आप ज़रूर बंद कीजिए, ये भी आपके फ़ोन के सिस्टम को स्लो कर देता है। आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद जब हम नए नए फ़ोन लेते हैं तो हमारे फ़ोन में सिग्नल काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हमारे फ़ोन के सिग्नल
जाने लगते हैं, यानी कि उसमें सिग्नल नहीं आते। तो इसको आप ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, हर महीने अपने फ़ोन में आप जाइए और सेटिंग के अंदर जब आप जाएंगे तो आप वहाँ पर सिम कार्ड एक मैनेजमेंट होता है, सिम कार्ड मैनेजमेंट, वहाँ पर आप जाकर नेटवर्क सेटिंग पे जाकर उसको अपना जो आपका सिम कार्ड होगा जिस भी कंपनी का उसे आप जाकर हर महीने मतलब एक बार ऐड कीजिए और उसको एक बार रिमूव कीजिए। ये अगर आप करेंगे तो आपके फ़ोन में जो नेटवर्क की जो समस्या होगी ये भी दूर हो जाएगी, कभी आपके फ़ोन में नेटवर्क की समस्या भी नहीं आएगी। आगे चल के आपके फ़ोन में टच की भी प्रॉब्लम आने लग जाती है, यानी कि आपके टच का रिस्पांस जो होता है वो बहुत ही स्लो हो जाता है, फ़ोन धीरे धीरे रिस्पांस करना कम कर देता है। तो दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन को लगातार अच्छी तरह से साफ़ कीजिए। हम अपने फ़ोन को सिर्फ नॉर्मली साफ़ कर लेते हैं, हमें अपना फ़ोन साफ़ लगता है लेकिन उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है जो हमें दिखाई नहीं देती और हमें अपना फ़ोन साफ़ दिखता है। तो आप अपने फ़ोन को हफ्ते में एक बार या 10-15 दिन में एक बार कॉलिन से, कॉटन से अच्छी तरह से साफ़ कीजिए तो आपके फ़ोन की टच की जो प्रॉब्लम होगी वो भी काफ़ी हद तक दूर रहेगी। और अपने फ़ोन को आप अपडेट करके ज़रूर रखिए, क्योंकि अपडेट करने से आपके फ़ोन की टच की प्रॉब्लम, स्क्रीन की प्रॉब्लम या सुनना या स्पीकर माइक की जो भी प्रॉब्लम होती है वो अपडेट करने से ही आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही अगर आपके फ़ोन में कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप उसे लोकल दुकानों पे ठीक ना करवाएं, क्योंकि लोकल दुकानदार क्या होते हैं, आपके फ़ोन के ओरिजिनल पार्ट निकालकर उसमें वो डुप्लीकेट और चाइना के जो पार्ट होते हैं वो पार्ट लगा देते हैं जो बार बार ख़राब होते रहते हैं और आपके जेब से भारी रुपया बार बार निकलता रहता है। तो कभी भी आपके फ़ोन में दिक्कत आती है तो आप कंपनी के शोरूम में जाइए और वहीं से अपना फ़ोन ठीक करवाइए। दोस्तों अपने फ़ोन पर आप टेम्पर्ड लगा के रखिए और अच्छी क्वालिटी के टेम्पर्ड लगाइए जो आपकी स्क्रीन को बचाएगा। आप लोकल टेम्पर्ड से बचिए, आप पैसा बचाने के चक्कर में अपना पैसा गवा देंगे, क्योंकि स्क्रीन अगर एक बार फ़ोन की टूट जाती है तो वो बहुत ही महंगे खर्चे में रिपेयर होती है, ये आप भी जानते हैं। इसलिए अच्छी क्वालिटी का आप टेम्पर लगाइए, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का टेम्पर आपके टच को भी ठीक रखेगा और आपके फ़ोन की भी सेफ्टी करेगा। इसके साथ ही मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा दोस्तों, आप जब भी फ़ोन लें या आपके परिवार में कोई भी फ़ोन लेता है तो आप अपने फ़ोन का इंश्योरेंस ज़रूर करवाइए, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा टेंशन अपने फ़ोन की यही रहती है कि वो टूट ना जाए गिरकर या चोरी ना हो जाए, क्योंकि टूट के गिर जाएगा या चोरी हो जाएगा उसमें बहुत ही लॉस होता है। तो जब आप इंश्योरेंस करवा लेंगे तो बहुत ही मामूली सी रकम में आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा, और जब भी आपके फ़ोन में ऐसी कोई घटना होती है आपके फ़ोन के साथ, या मान लीजिए वो चोरी हो जाता है या वो गिर जाता है, उसकी स्क्रीन टूट जाती है, तो आपको उसके पूरे पैसे इंश्योरेंस कंपनी से बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं। तो ये मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप कभी भी फ़ोन लें, आपके परिवार में कोई भी अगर फ़ोन लेता है तो उसका आप इंश्योरेंस करवाइए। इंश्योरेंस करवाने के लिए आप अपने फ़ोन के रिटेलर, जहाँ से भी मतलब हम फ़ोन खरीदते हैं, आप वहीं से डायरेक्ट अपने फ़ोन का इंश्योरेंस ले सकते हैं या आप गूगल पर जाकर इस बारे में और भी छानबीन कर सकते हैं। तो दोस्तों एक जानकारी थी कि आप अपने महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन्स का ध्यान किस तरह से रख सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ भी इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। या आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए, ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।